नजर आ रहा है? बोर्ड नजर आ रहा है? जी बोर्ड नजर आ रहा है? अरे जी بسم الله الرحمن الرحيم جی ہم نے کل نصاب النحو کا سبق نمبر دو مکمل کیا تھا اس کے اندر ہم ایک بار پھر سے دیکھ لیں دیکھیں ہم نے سب سے پہلے اس کے اندر ہم نے پڑھا تھا لفظ پھر لفظ کی دو قسمیں تھی محمل موضوع محمل اسے کہتے ہیں جس کا کوئی معنی نہ ہو جیسے کہ وٹی چائے کا وائے وانی وغیرہ اور موضوع کسے کہتے ہیں اکیلا لفظ جو کیا ہو کوئی معنی ہو معنی دار ہو جیسے تعویرت المیز وانی پھر محمل کوئی اس کی ہوتی نہیں ہے کوئی جب ہائی نہیں تو اس کی قسمیں بھی نہیں نکلیں گی پھر اس کے بعد موضوع تھا موضوع کی دو قسمیں تھی مفرد اور مرکب مفرد کہتے ہیں اکیلا بامانہ لفظ پر اکیلے جو ایک بامانہ لفظ پر دلالت کرے اسے مفرد کہتے ہیں جیسے کہ آپ کے سامنے مثالیں دی تاویلتن وغیرہ مفرد ہے اب مفرد کی تین قسمیں کون اسم فعل حرف ہو گیا اسم جیسے رجل فعل جیسے ضربا اور حرف جیسے من پھر اس کے بعد آیا مرکب اب مرکب کی جو ہے دو قسمیں بنی مرکب مفید جس کا نام جملہ بھی ہے اور کلام بھی ہے مرکب مفید جملہ اور کلام مرکب مفید کا دوسرا نام ہے جملہ اور کلام اور ایک دوسری قسم مرکب کی مرکب غیر مفید پھر مرکب مفید کسے کہتے ہیں جس سے سننے والے کو فائدہ تامہ حاصل ہو جائے جیسے کہ آپ کو کہیں زید قائم زید کھڑا ہے اب مرکب مفید کی دو قسمیں ہیں جملہ خبریہ جملہ انشائیہ جملہ خبریہ جملہ انشائیہ پھر جملہ خبریہ کی جملہ خبریہ کسے کہتے ہیں جس کے کہنے والے کو جھوٹا یا سچا کہا جا سکے جیسے کہ زید قائم زید کھڑا ہے تو اس کے کہنے والے کو جھوٹا یا سچا بھی کہہ سکتے ہیں یہاں واقعی میں اس نے خبر جو دی ہو غلط دی ہو کھڑا نہ ہو پھر جملہ خبریہ کی دو قسمیں ہیں جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ جملہ اسمیہ کسے کہتے ہیں جس کی شروعات اسم سے ہو ہاں جیسے جیسے زید قائم یا کوئی بھی رجل الرجل عالم جس کی شروعات اسم سے ہو اس کو جملہ اسمیہ کہیں گے جیسے زید ضربا اور جس کی شروعات فعل سے ہو اس کو بولیں گے جملہ فعلیہ اب فعلیہ جیسے کہ کہا جائے کیا جاء زید زید آیا تو یہاں پر جا فعل سے شروعات ہو رہی ہے اس کو جملہ فعلیہ کہیں گے پھر اس کے بعد اب یہ ہو گیا جملہ انشائیہ بچا جملہ کی دو قسمیں جملہ خبریہ جملہ انشائیہ جملہ انشائیہ کی 13 قسمیں امر نہیں استفہام تمنی وغیرہ وہ آگے ہم پڑھیں گے پھر بچتا ہے مرکب غیر مفید
मुरक्कब गैर मुफीद की अपनी इस किताब में जो हम पढ़ रहे हैं निसाबुन्नाव, इसके अंदर तीन किस्में हैं लेकिन बास किताबों के अंदर चार किस्में हैं। नंबर एक है मुरक्कब इजाफी, दूसरी है मुरक्कब तौसीफी, तीसरा मुरक्कब बिनाई और चौथा है मुरक्कब मना सरफ। चौथा है मुरक्कब मना सर। तो ये चार पूरा हमारा खाका हो गया इसका, है नहीं? हाँ, तो अब आपने जो है तमरीन बनाई थी, तमरीन बनाने को दी थी, लेकिन बहुत सारे कमी लोगों की जवाब आए उसके में, और उसके अंदर आपने जो बनाया था तमरीन, तो उसमें जो है तमरीन में सवाल नंबर एक था वो आपने बनाया, कितने कितने लोगों ने बनाया? उसके अंदर था जैसे कि सवाल नंबर एक था कि मौजू और मुहम्मर अल्फाज अलग अलग कीजिए, आपको टेबल बनाकर एक साथ एक तरफ मौजू लिखना था, दूसरी तरफ मुहम्मर लिखना था। तो जैसे कि खाना वाना था तो खाना मौजू है, वाना मुहम्मर है, मेज वेज में मेज मौजू है, वेज क्या है, कलम वलम में कलम मौजू है और वलम मोहम्मद है, पैसे वैसे में वैसे मोहम्मद है, कुर्सी वुर्सी कुर्सी मौजू है, कुर्सी मोहम्मद है, बिस्तर बिस्तर है, बिस्तर मौजू है, हाँ बिस्तर मोहम्मद है, मौजू किसे कहते हैं, बामाना को, चादर वादर, हाँ चादर मौजू, वादर मोहम्मद है, इसी तरह बोतल बोतल, हाँ बोतल मोहम्मद है, बोतल मौजू है, कापी वापी थोड़ा सोच से बोले, काफी मौजू है, वापी मोहम्मद है, नहीं नहीं शहर नहीं, यहाँ पर वो यहाँ काफी वापी के साथ बोला गया, वो अलग होगा तो अलग बोला जाएगा उसको, ना 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 काफी मौजू है, वापी मोहम्मद है, अलग अगर कहीं पूछा जाए, अगर है वहां कहीं वापी तो कहेंगे मौजू है, लेकिन यहाँ जो मिलाकर पूछा जा रहा है, हाँ इस एतबार से क्या आमतौर पर इसी तरह बोलते हैं, काफी वापी लिया हो, पंखा वंखा, पंखा वंखा, पंखा मौजू है, वंखा मोहम्मद है। आज ज्वाइन में दो ही लोग दिख रहे नजर आ रहे हैं, बर्तन वर्तन, बर्तन बर्तन जी, बात बात सही, बात मौजू है, बात मुहम्मद है। सवाल नंबर दो था मुफरद और मुरक्कब अलग अलग करें, अल्लाह वाहिदुन, अल्लाह एक है, मुरक्कब है सही, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल है, ये भी मुरक्कब है, आलिमुन मुफरद है, तिलमीजुन शागिर्द मुफरद है, अल वलदु नायबुन लड़का सोया है, मुरक्कब है सही माशाल्लाह, रकीबा अलीयुन अली सवार हुआ, अल किताब मुफरद है, मदीनतुन मुफरद है, अल मदरसतु मुफरद है, जाल उस्तादु उस्ताद आए, बगदादु मुफरद है, अल हर्रु शदीदुन गर्मी सख्त है, मुरक्कब है। सवाल नंबर तीन था ये बताएं कि हर मुरक्कब में कितने कलमात मौजूद हैं, आलिमुल गैबी
दो कलमा आते हैं इसके अंदर, यानी मुरक्कब कम से कम उसके अंदर दो होना चाहिए और ज्यादा की कोई हद नहीं है। जाल हकू हक आया, दो कलमा आते हैं। कंजुल ईमान, ईमान का खजाना, दो कलमे। ये भी अलवलदु यकराउल कुराना, तीन कलमे हैं। सही है, माशाल्लाह। कद कामतिस सला, हाँ ये कद कद कामित, ये इसको हम एक कलमा ही बोलेंगे, सही है नहीं? हाँ, पूरे को मिलाकर एक ही कलमा बोलेंगे, तो सलाद दूसरा कलमा हो गया। सल्लु अलल हबीब, कितने हैं? दो कहाँ हैं? अला नहीं है? अला भी तो है कलमा। अरे वो भी तो कलमे की किस्म है ना। हाँ, तीन कलमे हुए। इन्ना अल्लाह गफूर रहीम, चार कलमे। बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। कुल हु अल्लाह अहद, माशाल्लाह चार। अती अल्लाह व अती उर रसूल, देखें एक दो चार, सही है, चार कलमे इसके अंदर। फाइल को नहीं देखेंगे हम, फाइल उसके अंदर है, लफ्ज कलमा देखना हमें। हाँ, अलहवा जरूरी यू लिल हयात, तीन कलमा है। हाँ, चार कलमा हो गया। चार कलमा हो गया। अलहवा ये जरूरी, दो लाम ये हरफे है, इसको अलग बोलेंगे, दो कलमे बोलेंगे लिल हयात को। अल कितारु असरउ मिन अल बास, ट्रेन बस से ज्यादा तेज रफ्तार है। चार कलमे। दखला अलीयुन फिल मस्जिद, अली मस्जिद दाखिल। माशाल्लाह, ये सबक मुकम्मल हो गया हमारा, सही है। चलें फिर अब आगे सबक नंबर तीन की तरफ चलते हैं। हमने कलमा पढ़ा था ना, मुफरत की तीन, मुफरत का नाम दूसरा क्या है? कलमा है। ये खाका समझ में आ गया आपके? वो उसकी हम वीडियो पे हम आप बना देंगे, लिंक पे देख लेंगे। अच्छा, एक फोटो, एक मिनट, देखते हैं कैसे आता है। इसमें तो नहीं आ रहा है। अच्छा, देखें, अब आया। नजर आ रहा है? खींच दे। अच्छा, देख तो रहा आप साफ। चले जी, आगे चले। सबक नंबर हमारा तीन है, क्या है?
सबक नंबर तीन के अंदर हमारे जो है क्या है, कलमे की किसमें है? नहीं, कलमे की अकसाम का बयान। कलमे की कितनी किस्में है? सबक नंबर तीन, कलमे की तीन किस्में। कलमा मकसिम है, एक होता है मकसिम, क्या होता है मकसिम यानी, और इसकी जो है ये कितनी किस्म बनी? इस्म, फेल, हर्फ। इसकी तीन किस्में, इस्म, फेल, हर्फ। अब इस्म किसे कहते हैं? इस्म का जो लुग़वी माना है वो है बुलंदी या निशानी है। क्या है? हाँ, बुलंदी या निशानी है। और इस्तिलाह में उससे मुराद वो कलमा है जो दूसरे कलमे के मिले बगैर अपने माना पर दलालत करे और तीनों जमानों में से कोई जमाना भी उसमें ना पाया जाए। जमाने असल कितने हैं? तीन हैं, माजी, हाल, मुस्तकबिल। इतना याद रखें आम तौर पर तारीफ करने के लिए कि असल जो है इनके अंदर ये दोनों माने मुस्तकबिल पर दलालत करते हैं। फेल भी माने मुस्तकबिल पर दलालत करता है और दूसरे के मिलाए बगैर अपने माना पर दलालत करता है फेल भी और इस्म भी। फर्क यह है कि जमाना पाए जाने ना पाए जाने के एतबार से। इस्म के अंदर कोई जमाना नहीं पाया जाता है और फेल के अंदर कोई जमाना पाया जाता है। बस इतना फर्क है नहीं। जैसे कि आप देखें इस्म का लुग़वी माना बुलंदी या निशानी है और इस्तिलाह में इससे मुराद वो कलमा है जो दूसरे कलमे से मिले बगैर अपने माना पर दलालत करे और तीनों जमानों में से कोई जमाना भी उसमें ना पाया जाए। जैसे अल बसरा, क्या हुआ ये, क्या है अल बसरा? हाँ, ये एक क्या है? दोनों मुल्कों के मुल्क शहरों के नाम कह सकते हैं। क्या है? एक मुल्क का नाम है, एक शहर का नाम कह सकते हैं। इसी तरह कोई जगह का नाम ले ले, जैसे दिल्ली है, किसी का नाम ले ले, क्या है? खालिद है, हामिद है, ये सब क्या हो गए? इस्म हो गए। समझ में आ गया? हाँ, अपने माना पर दलालत करे और तीनों जमानों में कोई जमाना नहीं है इसके अंदर। कहें कि आप भाई दिल्ली के अंदर जमाना नहीं, कोई जमाना नहीं है। ये अपने माना मुस्तकबिल पर दलालत कर रहे हैं और किसी के भी मोहताज नहीं है। आगे है फेल। फेल किसे कहते हैं? फेल का लुग़वी माना है काम करना। क्या है? हाँ, फेल का लुग़वी माना होता है, लुग़वी माना काम करना है। और इस्तिलाह में इससे मुराद वो कलमा है जो दूसरे कलमे से मिले बगैर, जो दूसरे कलमे से मिले बगैर अपने माना पर दलालत करे और तीनों जमानों में से कोई जमाना भी उसमें पाया जाए। देखिए फर्क क्या हुआ दोनों के अंदर, इस्म और फेल में। हाँ, फेल के अंदर जमाना है और इस्म के अंदर जमाना नहीं है। जैसे कहें कि सिरतु मिना, सिरतु मैं चला, मैंने सैर की, तो ये क्या है? कौन सा जमाना पाया जा रहा है इसके अंदर? अरे सिर तू मैं चला, कौन सा जमाना है इसके अंदर? मैंने सैर की। हाँ, माजी का जमाना पाया जा रहा है इसके अंदर। कौन सा जमाने कितने हैं? एक माजी, दो हाल, तीन मुस्तकबिल, तीन जमाने हैं। तो इसके अंदर माजी पाया जा रहा है, तो लिहाजा कहेंगे कि अपने माना पर दलालत कर रहा है लेकिन जमाना इसके अंदर पाया जा रहा है। तीनों जमाने एक साथ भी नहीं पाए जा सकते हैं नहीं। हाँ, दो की हो गया, इसमें हो गया, फेल हो गया। अब आगे है हर्फ। हर्फ का लोभी माना है तर्फ यानी किनारा। हर्फ क्या बोलते हैं? तर्फ यानी किनारा। इसका माना है तर्फ यानी किनारा।
और इस्तिलाह में से मुराद वो कलमा है जो दूसरे कलमे से मिले बगैर अपने माना पर दलालत ना करे। सही है नहीं? जो दूसरे कलमे से मिले बगैर अपने माना पर दलालत ना करे तो उसे क्या कहते हैं? हर्फ। गोया कि ये मोहताज है, और बाकी जो तो दोनों पहले वाले हैं वो अपने माना पर दलालत करने में मुस्तकिल है, किसी के मोहताज नहीं है। और हर्फ जो है वो मोहताज है अपने माना पर दलालत करने में। और ये हर्फ जो है, हर्फ का दुखूल इस्म पर होता है। क्या होता है? जैसे कि मिन है, मिन माने असल है तो से, इला माने है तक, लेकिन ये मिलाने का मोहताज है अपने माना में। क्या है? मोहताज है। मिन अल बसरा इल अल कूफा, जब तक इसे मिलाएंगे नहीं किसी से पूरा माना अदा नहीं करेगा। दूसरे कलमे से मिले बगैर अपने माना पर दलालत ना करे, जैसे मिन और इला। अभी तीनों की वजाहत यहां पर दे रहे हैं आपके सामने। सिरतु मिनल बसरती इलल कूफा, मैं बसरा से कूफा तक चला। मैं बसरा से, इस मिसाल में सिरतु मैं चला, सिरतु क्या माना क्या है? मैं चला। ये क्या है? ये फेल हो गया। क्या हो गया? सिरतु मिनल बसरती इलल कूफा, ये सिरतु क्या है? फेल है नहीं? इसलिए कि ये दूसरे कलमे के मिले बगैर अपने माना पर दलालत कर रहा है, और इसके अंदर जमाना कौन सा है? माजी। और बसरा और कूफा क्या है? ये दोनों इस्म है। ये क्या है? दोनों इस्म है, और ये किसी जमाने पर दलालत नहीं कर रहे हैं। दूसरे कलमे के मिले बगैर अपने माना पर दलालत कर रहे हैं, और इनके अंदर कोई जमाना नहीं है। ये बसरा के अंदर भी कोई जमाना नहीं है, न कूफा के अंदर, लिहाजा ये क्या है? दोनों इस्म हो गए। हो गया नहीं? और मीन और इला, मीन और इला ये दोनों हर्फ हैं, इसलिए कि दूसरे कलमे से मिले बगैर अपने माना इब्तिदा और इंतहा पर दलालत नहीं करते। जब तक इसे मिलाएंगे नहीं मिन के साथ बसरा के साथ, बसरा से कहां तक? कूफा तक। तो ये इसके बाहर मिलाए बगैर अपने माना पर दलालत नहीं कर पा रही है। हो गया नहीं सबक? सबक नंबर 2-3 के अंदर मश्क है आपकी। इसके अंदर पहली सबक के अंदर क्या, इस्म फेल और हर्फ अलग अलग करना आपको, यानी इस्म फेल हर्फ को अलग करना आपको। आप खाका बना करके अलग टेबल बनाकर इसमें लिखेंगे और फिर लिखेंगे और हर्फ लिखेंगे। सवाल नंबर 2 के अंदर आपको क्या है, दर्जे ज़ेल जुमलों में इस्म फेल और हर्फ अलग अलग करें। यहाँ पूरे जुमले हैं, इन जुमलों के अंदर से आपको क्या करना है, इस्म को अलग रखना है, फेल को अलग रखना है, और हर्फ को अलग रखना है। ये तमरीन आपको बना के लानी है। साथ ही साथ आप ये याद रखें ये बात के इस्म जो है ना मुसनद इले और मुसनद दोनों होता है, इस्म मुसनद और मुसनद इले दोनों होता है, और फेल सिर्फ मुसनद होता है। क्या होता है? सिर्फ फेल मुसनद होता है, और हर्फ कुछ भी नहीं होता है। नहीं है ना, मुसनद होता है ना मुसनद, और हाँ ना मुसनद इले कोई भी नहीं होता इसमें से। लिहाजा कोई भी आपको जुमला बनाना होगा तो ना सिर्फ फेल से बन सकता है, क्योंकि फेल सिर्फ मुसनद है, तो उसके लिए मुसनद इले की जरूरत पड़ेगी, और हर्फ से भी नहीं बन सकता कोई जुमला। तो हर्फ को जो है दोनों की जरूरत पड़ेगी, मुसनद और मुसनद इले की जरूरत पड़ेगी, और इस्म दोनों होता है, लिहाजा किसी जुमले के अंदर दोनों इस्म है तो क्या हो जाएगा, वो जुमला बन सकता है। जैसे कि आपके सामने मिसाल दें, ज़ैदुन क़ायमुन, दोनों इस्म है तो जुमला बन गया, ज़ैदुन मुसनद इले होया और क़ायमुन मुसनद, कायम मुसनद, जैद मुसनद इले, तो जुमला ये बन गया।
लेकिन फेल जो है सिर्फ मुसनद बनता है, उसे जरूरत पड़ती है मुसनद इलैह की, लिहाजा सिर्फ खाली फेल से भी दो फेल हो तो उनसे भी कलाम मुकम्मल जुमला नहीं बन सकता। तो ये सबक हमारा मुकम्मल हो गया, सबक नंबर 3। इसके तहत आप तमरीन बना के लाएं और हो सके तो आप सुबह जल्द ही आप इसको इरसाल करने की कोशिश करा करें ताकि इसको चेक किया जा सके। और आज जो है वक्त तो बहुत ज्यादा कम लोग आए इसमें शरीक हुए, क्या है और कल से इंशाल्लाह हम जो है सर्फ का शुरू करेंगे। सर्फ का क्या है, दिरासतु सर्फ। आप धीरे धीरे दोनों को लेके चलते हैं इंशाल्लाह। कोई मुश्किल है तो पूछें फिर से। हाँ मुसनद इलैह जिसकी तरफ इसनाद की जाए, मुसनद जो दूसरे उसकी तरफ मनसूब हो। ये नहीं, ये आप आगे पढ़ेंगे मुसनद मुसनद इलैह के ताल्लुक से, अभी हमने सिर्फ बयान कर दिया इतने इसका आपके सामने। मुसनद असल किसे कहते हैं, हुक्म को कहते हैं, क्या कहते हैं, हाँ मुसनद इलैह जिस पर हुक्म लगाया जाए, या महकूम अलैह कहते हैं, उसका दूसरा नाम क्या है, महकूम अलैह, और मुसनद का दूसरा नाम क्या है, महकूम। जैसे जैदुल कायमुन, जैद पर हुक्म लगाया किस चीज का, खड़े होने का, हाँ तो खड़े होने का हुक्म लगाया गया, लिहाजा जिस पर हुक्म लगाया जाए वो मुसनद इलैह बनेगा, महकूम अलैह बनेगा, और जो हुक्म कायम ये क्या बनेगा, महकूम और मुसनद बनेगा। जी ठीक है, अल्लाह ताला हम सबके इल्म में बरकत अता फरमाए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।